अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार एक्सपर्ट कमेटी की मेंबर्स की लिस्ट कोर्ट को देगी। अब तक 4 जनहित याचिकाएं दायर। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में दायर याचिकाओं पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सुझाव पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी। कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर होने का दावा करने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारधीवाला ने शुक्रवार 10 फरवरी को की थी। दूसरी सुनवाई सोमवार 13 फरवरी को हुई। याचिकाओं में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इसमें ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन भी भारतीय नियामक SEBI को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।